भाई देख रहे हो अपने बंदे पेल रहे हैं एक दूसरे को, क्या मजा आती है, छोड़ो यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S23 Plus। जी हाँ, इसका मैं आपको गेमिंग वीडियो दिखाने वाला हूं एंड बिलीव मी आपको इट्स नॉट अबाउट द प्रोसेसर की, प्रोसेसर अच्छा है तो गेमिंग अच्छी होगी ऐसा कुछ कुछ मुझे चीज़ें अच्छी लगी, कुछ में मुझे लगा कि यार ये होता तो ऐसा होता वैसा होता, सब मैं पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जरा टेम्परेचर बता दूँ, तो आप देखो भैया फ़ोन जैसे देखो ये 26 के आसपास आपको इसका टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा, वैसे ही आगे से ये देखो न्यूज़ कुछ आ गई है। सो आगे से अगर आप देखोगे तो ये देखो भैया अगेन सेम 26 के आसपास है और जो बैटरी लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो भैया 59 है। और अब चलते हैं हम लोग अपने गेम की तरफ। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो अपना जो गेम है यार वो शुरू हो गया है। मैं फटाक से यार ब्राइटनेस जो है वो भी बढ़ा देता हूँ, आप देखो 80% के आसपास अपनी ब्राइटनेस है। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल होता है यार सभी मित्रगणों का कि भैया मेरे को ग्राफिक्स के बारे में बता, तो देखो यार आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, HDR पे एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD पे जी हाँ आपको 40 FPS जो है वो देखने को मिलेगा। सो हाईएस्ट फ्रेम रेट है जी हाँ 60 FPS, 90 FPS कब आएगा ये हम लोग फिर कभी बात करेंगे क्योंकि अभी हमें ऐसा कुछ पता है, लेकिन अगर 90 FPS वाला गेम प्ले देखना है मैं आप लोगों के लिए वो ला सकता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ जी हमें देखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको ग्राफिक्स का हिसाब किताब बता दिया, अल्ट्रा पे भी जो 40 FPS है उस पर भी हम लोग गेमिंग करेंगे ड्यूरिंग द गेम प्ले। अभी चलते हैं बूट कैम्प की तरफ। सो दोस्तों बूट कैंप पे यार हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आप लोगों को पता है हम लोग अपना जो चेक करते हैं इस जंप पे कि यार फ्रेम ड्रॉप या कुछ लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं, मैक्सिमम तो फ्रेम ड्रॉप ही होता है यार, लैग तो अपने को इतना भी देखने को मिलता नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे फोन्स भी हैं यहाँ पर अच्छा खासा फ्रेम ड्रॉप कर देते हैं। सो लेट्स सी कि हमें क्या हिसाब किताब देखने को मिलेगा। नीचे पहुँचने वाले हैं और आप अगर देखोगे सो ये हम लोग पहुँचे और यार मेरे हिसाब से काफ़ी स्मूथ, ओहो भाई गजब भी गोली चली थी जिसने भी चली थी, और मैं ही कहते काफ़ी स्मूथ सा जंप था, हम लोगों को कोई ऐसा मेजर फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिसने हमें गोलियां मारी है भी उसको देखते हैं भैया कहाँ था और कितनी जल्दी थी इसको हमें गोलियां मारने की। चलो भाई ये तो गया। सो यार देखो थोड़ा अपन ने सेटल डाउन हो गए, तो यार स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली जाए तो यार 6.6 इंच का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले यार आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड भैया मज़ेदार है डिस्प्ले। ठीक है ना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 जो प्रोसेसर है वो आपको इसमें मिलता है, 50, 12 and 10 megapixel का कैमरा है, 12 megapixel का फ्रंट कैमरा है, इस प्यारे से छोटे से पंचोल में 4700 mAh की बैटरी जो कि 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो यार देखो डिस्प्ले मैंने बोला था जोरदार है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जोरदार वर्ड भी ना मतलब छोटा है, आपको डेफिनेटली यार यूसेज में मज़ा आ जाएगा डिस्प्ले का जो यूसेज है उसमें। ठीक है ना, टच रिस्पॉन्स लो, हार्ड सनलाइट ले लो, हर एक एंगल पर आप देख लो भाई आपको जो है डिस्प्ले वो बढ़िया लगेगा वाइल्ड गेमिंग। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि यार मतलब डिस्प्ले तो अच्छा है इतनी तारीफ करो, तो उस टाइम मैंने ऐसा क्यों बताई क्या अच्छा क्या बुरा वाला। सो मुझे एक चीज़ लग रही है कि अगर ये जो बेजल्स है ना ये थोड़ी और अगर कम होती तो भाई मतलब ना कमाल क्या मतलब कमाल 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 ही हो जाता ऐसी वो वाली बात है। पर यार ये भी जो है ये भी बहुत बढ़िया, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंप्रूवमेंट वाली बात है और ये मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए सीधे सीधे साफ साफ ये वाली चीज़ बोल दी, लेकिन गेम प्ले कैसा है भाई मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। अभी हम लोग अपना गेम प्ले जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और फिर डिटेल में बात भी करेंगे कि आगे का क्या हिसाब किताब बैठता है। अब इसको यार जिंदा कर देते हैं, लेकिन इसको जिंदा करने में कोई हम ना नहीं पट लें। हाँ तो दोस्तों यार थोड़ा हम लोग एकदम सेटल डाउन हो गए, तो अब बात कर लीजिए भैया कि ग्राफिक्स वगैरह इसके कैसे हैं। देखो यार वो ये जैसा मैं बोल रहा था कि डिस्प्ले की तो मैंने आप लोगों को काफ़ी तारीफ करी थी, तो यार आप ये देख लो कि आपको यहाँ पर भी ना ऐसे ही कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर अपने बंदे हो गए इसने निपटा दिया, लेकिन कोई नहीं दूसरे लोग बचा लेंगे। अभी हम लोग ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो आप ये देखो पेड़ पौधे आइकन वाइकन जो भी आप देखोगे ग्राफिक्स डिटेल्स भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, कोई शिकायत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, आप डेफिनेटली अपना जो गेमिंग है वो इसके ऊपर इन्जॉय करोगे और आपको ना अपना वेल डिटेल सब कुछ देखने को मिलेगा, चाहे बिल्डिंग का शेप हो आप देखो कोई टिप है वो भी कोई मर्ज नहीं हो रही है, ये आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ऊपर वाली टिप तक आपको एकदम क्लियर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था हम लोग स्मूथ और एक्सट्रीम पे ये वाला गेम प्ले कर रहे हैं,
पर वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं और आप ये देखो भैया SDR पे तो हम स्विच, लेकिन SDR पे वैसे स्विच हो गए, अल्ट्रा SD पे ये देखो मैंने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। और अब आप अगर देखोगे तो आपको जो ग्राफिक्स की डिटेल्स हैं वो और बेटर हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लो बाहर, ये देखो भाई ये आपको थोड़ी बेटर पहले से देखने को मिलेगी। सो SDR पे आप खेलो चाहे स्मूथ पे खेलो, आपको जो 60 FPS है वो है भैया वो स्टेबल भी मिलेगा, साथ में जो डिटेल्स हैं यार वो तो ऑफकोर्स आपको SDR पे ही बढ़िया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने वापस से स्मूथ पे मैं शिफ्ट हो गया और अभी अपना गेम प्ले हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। रही यार हीटिंग की बात, तो देखो 19 मिनट के आसपास अभी अपने को हो गया है, अभी हम लोग गेम प्ले अपना कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मुझे फ़ोन थोड़ा पीछे से गर्म लग रहा है तो मैं आप लोगों को एक बार फटाक से टेम्परेचर बताऊँ, तो देखो 26 से ये जो 36 है उसके आसपास ये कुछ आ गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या ये 36 से ऊपर जाता है या फिर जो फ़ोन है भैया जो टेम्परेचर है वो इसको ये कम कर लेता है। ये अभी हम लोग अपना गेम प्ले कंटिन्यू रखेंगे तब हम लोग अभी अपनी बात करेंगे कि फ़ोन भैया जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या उसका गेम प्ले के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। हाँ तो यार देखो वहाँ तक मतलब चलने की कोशिश करते हैं। साथ में एक सबसे कॉमन सवाल होता है, भैया मेरे को तुम जायरोस्कोप के बारे में नहीं बताया। सो ये देखो भैया यहाँ पर गए, जायरोस्कोप कर दिया मैंने ऑलवेज ऑन, और आप ये देखो किसी टाइप का कोई डिले नहीं है। तो जिन लोगों का सवाल होता है भैया कि क्या मैं जब ये गेम प्ले करूँगा इसमें तो क्या मुझे जायरोस्कोप में कोई डिले देखने को मिलता है या जायरोस्कोप कैसा काम कर रहा है, तो भाई ये देखो तुम्हें जायरोस्कोप में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। और तुम पेल के अगर प्रो प्लेयर हो तो पेल के भैया जायरोस्कोप में जो किल्स है वो तुम निकाल सकते हो, तो जायरोस्कोप में कोई डिले नहीं है। जिन लोगों का आउटडेयर सवाल है कि भैया क्या जायरोस्कोप में डिले है, तो जी नहीं, जायरोस्कोप में आपको कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यार देखो तो ड्यूरिंग द गेम प्ले में एक बात और यू नो मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे जब आप लॉन्ग गेमिंग करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यार चीज़ बना कि यार आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार फ़ोन अगर थोड़ा सा और हल्का होता तो और सही होता। ये जो बेटे ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा और हल्का होता तो भाई मज़ा आता। जैसे S23 ले लो, ठीक है ना, या मैंने इसे S22 को तो काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ भी किया है, तो यार उसमें मतलब जो वेट आई थिंक मेरे हिसाब से वो किसी भी स्मार्टफोन का ना परफेक्ट वेट बोलूँगा मैं कि वैसा होना चाहिए। तो यार देखो अब लगे हाथ ना अपन लोग जरा स्पीकर्स की भी बात कर ही लेते हैं। तो भाई देखो ठीक है, ये आप लोग ना सप्रेसर के साथ ही सुना रहा हूँ मैं आवाज़, लेकिन ये देखो इसको इसको तो तो आपने देखा कि यार मैं आपको वही बता रहा हूँ कि स्पीकर में जो है भाई वो तो तुमको ना मज़ा ही आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और हमारा किल किसी ने चोरी कर लिया है जिसने यहाँ से कहीं से गोलियाँ मारी है, सो कोई नहीं अपन भी छुप जाते वरना अपने में कोई नुकसान नुकतू ना दे। तो स्पीकर जिन लोगों का सवाल है कि भैया स्पीकर कैसे होता है, यार डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा बिंज वॉचिंग करते हो अगर, या गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो ब्लूटूथ या वो यूज़ करने की नहीं आता हेडफोन्स वगैरह तुम्हें, तो भाई डेफिनेटली तुमको ना मज़ा ही आने वाला है। ये था भाई जिसने मैंने किल चोरी किया था। भाई देख रहे हो अपने बंदे पेल रहे हैं एक दूसरे को, क्या मजा आता है। सो गाइस विनर विनर चिकन डिनर हमें तो मिल गया, लेकिन इस फ़ोन को मिला के नहीं आओ पहले बात करें। तो यार देखो जैसा हमने उस टाइम बात की थी कि यार अपने कुछ यू नो 26 मिनट या के आसपास हमने जो अपना टेम्परेचर देखा था कुछ बड़ा था, लेकिन आप देखोगे भैया उसके बाद ये कोई बड़ा नहीं है, तो इसने अच्छे से मेंटेन किया। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि भैया टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और अगर बढ़ता भी है तो भैया देखो फ़ोन से कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जब हमने खेलना शुरू किया था 25 के आसपास, और अगर अभी आप देखोगे तो वही 37 जो है अपने को पीछे से हाईएस्ट और आगे से 35 देखने को मिला है। सो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में हम लोग यार बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हमने 26 मिनट पे कुछ हुआ था यार, ये 36 के आसपास था, उसके बाद 1 डिग्री बढ़ा, तो मेरे ख्याल इसने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया, तो इसमें तो यार कोई डाउट नहीं फ़ोन गर्म हुआ था। सो ये अगर 45 मिनट तक जाएंगे तो आएगा और थोड़ा गर्म हो जाएगा, 40 टच कर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो नहीं जाने वाला है। और चला भी गया तो आप देखो यार आपने देखा कि भैया जो फ़ोन है कहीं ना कहीं से कहीं तक उसने हमारे गेम प्ले को एकदम स्मूथ रखा, कोई फ्रेम ड्रॉप अपने को नहीं देखने को मिला, तो ये एक चीज़
चीज़ काफ़ी अच्छी है। सो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, जब खेलना शुरू किया तो 59 थी अपनी, 80% के आसपास हमने अपनी ब्राइटनेस रखी रखी थी। आप देखो 59, तो 9% का ड्रॉप है 34 मिनट्स में, बोलूँगा ठीक है यार आपको ना, जो कि कहीं ना कहीं जो है मैं बोलूँगा कि मतलब ठीक, इसलिए बोलूँ बिकॉज 4700 mAh की बैटरी उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है आपको पास फास्ट चार्जिंग भी, और आप गेम प्ले अगर करोगे भी तो आपको ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, फास्ट चार्जिंग से अपना फोन आप चार्ज कर लोगे। सो बैटरी से कोई शिकायत नहीं है, डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं है, गेम प्ले से शिकायत नहीं है, ग्राफिक्स से शिकायत नहीं है, इवन जायरोस्कोप से कोई शिकायत नहीं है। डिस्प्ले बस एक बेजल से होती है, अगर थोड़ी कम होती तो और मज़ा आ जाता। तो मैंने आपको देखो यार इसमें गेम प्ले करके बता दिया, जायरोस्कोप बता दिया, स्पीकर सब कुछ बता दिया, पर आपका अब भी कोई सवाल रहेगा या इसका कोई और वीडियो देखना हो, कोई कंपैरिजन देखना हो, सो मुझे ज़रूर आप लोग यू नो कमेंट करके बताना। मैंने अभी BGMI का टेस्ट किया है, मैंने इसमें पबजी भी काफ़ी खेला, दोनों में सेम एक्सपीरियंस था, ऐसी कुछ चेंज वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। सो यार ये था मेरा सोचना सैमसंग गैलेक्सी S23 प्लस के बारे में। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।